आज हम लोग जानेंगे कंप्रेसर के बारे में पूरा विस्तार से। देखिए एक हमारा ये कंप्रेसर मोटर है जो एसी फ्रिज या सभी में लगता है, तो आज हम इसके अंदर के बारे में भी जानेंगे, इसको हम खोल के भी दिखाएंगे इसके अंदर क्या है और इसको हम बाहर से भी समझते हैं। पिछली वीडियो में हमने कंप्रेसर के बारे में कुछ बताया था कि कंप्रेसर ये जो एक मोटर होता है ये एसी में भी लगता है, फ्रिज में लगता है, वाटर कूलर, डीप फ्रीजर, हर वो मशीन जो ठंडा करती है सब में लगता है। लेकिन अंतर इस बात का इसमें होता है कि किसी में ये थोड़ी बड़ी साइज में लगता है, किसी में छोटी साइज में लगता है। तो बड़ा छोटा ये होना अलग बात है, क्योंकि जो एसी होती है बड़े स्थान को ठंडा करती है, फ्रिज होती है छोटे स्थान को ठंडा करती है। तो ये कंप्रेसर मोटर सब में लगता है। देखिए कंप्रेसर में कुल मिला के बात करें ना, इसके अंदर तीन लाइनें होती हैं, देख पाएंगे यहां पर तीन लाइनें होती हैं, दो पाइप इधर निकली हुई है और एक पाइप यहां से है। तो ये जो तीन लाइनें होती है ना, इसमें क्या होता है, दो लाइन, एक सक्शन लाइन होती है, एक चार्जिंग लाइन होती है और एक डिस्चार्ज लाइन होती है। सक्शन लाइन, चार्जिंग लाइन और डिस्चार्ज लाइन, ये जो तीन पाइपें होती हैं इसका कार्य ये होता है, ये एक साइड से हवा को खींचता है। आप देखिए ये जो चार्जिंग लाइन है यहां पर देख पाएंगे ये बंद है, तो ये बंद रहती है। इसके द्वारा जब इसमें हम गैस या ऑयल भरते हैं तभी इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके अलावा ये जो सक्शन लाइन है, तो सक्शन लाइन का कार्य होता है ये गैस को हवा को खींचता है, नाम से ही पता चला है ना, सक्शन लाइन। सक्शन का मतलब क्या हुआ, अपनी तरफ खींचेगा वहां से। और डिस्चार्ज लाइन, तो यहां पर ये देख पाएंगे ये वाली पाइप जो है ये डिस्चार्ज लाइन है, यानी यहां से हवा को क्या करेगा, बाहर फेंकेगा। तो सक्शन लाइन और डिस्चार्ज लाइन और चार्जिंग लाइन, तीन लाइनें होती हैं, एक साइड से हवा को खींचता है और दूसरी साइड से हवा को बाहर निकाल देता है, फेंक देता है। जैसे देखिए जैसे इंसान की खोपड़ी की तरह ये देखने में लग रहा है ना, उसी प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है। किसी भी प्रकार की अगर इसमें खराबी हो जाए तो ये कभी बनता नहीं है, मतलब ये रिपेयर नहीं होता है, इसको चेंज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। और इसका कारण ये है कि इसको खोलने के लिए जगह नहीं मिलती है। यहाँ पर देख पाएंगे अगर हम यहाँ पे आपको खोल के दिखा रहे हैं ना, तो ये खोला नहीं गया, यहाँ पर क्या हुआ, ये काट करके निकाल दिया गया, ग्लेंडर मशीन से इसको काट के निकाला गया है, क्योंकि ये खुलता नहीं है। और अगर एक बार जब इसको काट के निकाल दिया गया तो अब हम दोबारा हम इसको वेल्डिंग नहीं कर पाएंगे, इसको जोड़ नहीं पाएंगे। तो ये जो कंप्रेसर मोटर है थोड़ा खराब चुका था, तो हमने सोचा इसको हम अब इसके अंदर के पार्टों को आपको दिखा देते हैं कि इसके अंदर कौन सी क्रिया होती है जिसकी वजह से एक साइड से गैस को खींच के दूसरी तरफ फेंकता है। तो देखिए ये कंप्रेसर में यहाँ पे देख पाएंगे तीन पिने होती हैं, ये जो तीन पिने होती हैं इसमें एक कामन होता है, एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है। जैसे हर मोटर में होते हैं ना, कोई भी पंखा उसमें तीन पिने होती हैं, तीनों में कामन, रनिंग, स्टार्टिंग में जब हम सप्लाई देते हैं तब जाके ये चलता है। अब देखिए ये जो कंप्रेसर मोटर है ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दोनों पार्ट होता है। कैसे, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया जाता है, तो ये इलेक्ट्रिकल पार्ट हो गया। और मैकेनिकल पार्ट कैसे हुआ, क्योंकि इसमें गैस का संचार भी होता है, इसमें एक साइड से गैस इन करती है दूसरी साइड से गैस बाहर जाती है, तो इसलिए ये हमारा मैकेनिकल सिस्टम भी हो गया। चलिए अब इसको हम खोल के दिखाते हैं। देखिए कंप्रेसर को फिट करने के लिए इसमें ये जो बोल्ट बने होते हैं ये चार बने होते हैं, इसके नीचे रबड़ लगा करके, ग्रोमेट रबड़ लगा के इसको लगाया जाता है। अब हम इसको खोल करके आपको दिखा देते हैं क्या होता है। अब देखिए ये जो ऊपर से खुलता है ना, इसका ये जो ऊपर का अर्धअंडाकार भाग होता है इसको हम मोफलर के नाम से जानते हैं, तो ये मोफलर के नाम से जानते हैं। और देख पाएंगे ये जो सक्शन लाइन और चार्जिंग लाइन की दोनों पाइपें हैं वो इसी में से, इसके बॉडी में से, यानी कि देखिए ये जो पूरा वातावरण है ना, कहीं से भी कोई पाइप अगर इसमें से और निकाल लिया जाए, देख पाएंगे पाइप यहीं तक है, ये यहीं तक है, ऐसा नहीं कि इसमें तो तोड़ दिया गया है, ये वहीं तक है ही। तो इसमें देखिए इसमें अगर एकाक और इधर भी खोस के निकाल लिया जाए, इधर से भी खोस के बना के निकाल लिया जाए, तो वो सब सक्शन लाइन का ही काम करेगी, क्योंकि पूरा वातावरण सक्शन लाइन का हो जाता है। डिस्चार्ज लाइन कैसे फेंकता है वो आपको यहां से दिखाएंगे कि इसमें अंदर ज्वाइंट होता है। अब देखिए कंप्रेसर को अगर हम यहाँ से काट के निकाले हुए हैं, देख पाएंगे इसका ये जो लोहा है ना कितना मोटा, यहाँ पर देख पाएंगे कि इतना मोटा है, तब ये क्या इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होती, इसीलिए इसके अंदर से गैस भी लीक नहीं कर सकती, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये जो बाइंडिंग है ये देख पाएंगे कि यहाँ पर ये बाइंडिंग जो है ना वो थोड़ी सी जली हुई है, तो ये जली हुई बाइंडिंग होने के कारण ये मोटर चल नहीं रहा था, इसीलिए हमने इसको निकाल दिया काट करके। अब दिखाइए इसका ये जो मोटर है, अब हम जब इसको निकालते हैं तो ये देखिए इसके अंदर ये जो कामन वाला पॉइंट था ना, ये टर्मिनल वाला पॉइंट था, इसमें देख पाएंगे एक वायर ये वाला पॉइंट लगा होता है, तो इसमें भी देख पाएंगे ये तीन पॉइंट है, कामन, रनिंग, स्टार्टिंग का यही होता है। और ये आया कहां से देख पाएंगे, इसके अंदर तीन वायर है और ये इसी मोटर के तार है, इसी मोटर का यह वायर है, तो ये मोटर का तार हो गया। अब हम अगर इसको उठाएंगे ना तो ये निकल जाएगा, लेकिन एक पाइप देखिए ये जो पाइप है ना ये इसको तोड़ा गया है, इसको निकाला गया, ये कहां जुड़ा था वो भी हम आपको दिखाते हैं। देख पाएंगे इसको हम जब ऐसे बाहर निकालेंगे तो इस प्रकार से कुछ निकलेगा। अब देखिए इस मोटर को समझने से पहले हम थोड़ा इसके अंदर समझ लेते हैं। हमने आपको ये भी बताया था कि कंप्रेसर के अंदर तेल प्रयोग किया जाता है, इसमें देख पाएंगे वो तेल है,
कंप्रेसर के अंदर तेल प्रयोग किया जाता है, तो आप इसमें देख पाएंगे कि वो तेल है। तो ये जो तेल होता है ये पॉलिएस्टर ऑयल होता है। तो ये कंप्रेसर तेल से तो चलता नहीं है, लेकिन हाँ ये रिपेयर होने के लिए रहता है। तो जब ये इसमें मोटर इस प्रकार से रहता है ना, तो ये वाला जो पॉइंटर होता है वो इस तेल में डूबा होने के कारण क्या होता है, जब ये चलता है तो ये तेल ऊपर तक भी थोड़ा उठाता रहता है, तो क्या होता है इसकी जो मशीनें वो रिपेयर होती रहती हैं। और इसके अंदर देख पाएंगे चार स्प्रिंग लगी हुई है, ये चारों स्प्रिंग पे ये मोटर टिका होता है। अगर ये स्प्रिंग नहीं होती तो क्या होता है ना, ये मोटर अगर डायरेक्ट इसकी बॉडी में टच होता तो जब मोटर चलता तो वाइब्रेट करता, और वाइब्रेट करता तो पूरी बॉडी वाइब्रेट करती, और जब बॉडी वाइब्रेट करती ना, बॉडी हिलती ना, तो फ्रिज भी हिलती। इसलिए ये चार स्प्रिंग के ऊपर आधारित होता है और चारों स्प्रिंग पे रुका होता है, जिसकी वजह से अगर ये मोटर हिलता है तो स्प्रिंग एडजस्ट कर लेती है, जिससे ये बॉडी को नहीं हिलने देती। और तेल इसके अंदर है ये रिपेयर होने के लिए है। और ये डिस्चार्ज लाइन की जो बात है, ये डिस्चार्ज लाइन की पाइप देख पाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ से आई हुई है और यहीं पर है रुकी हुई है डिस्चार्ज लाइन की पाइप। ये जो डिस्चार्ज लाइन की पाइप है, यही वाली पाइप देखिए, देख पाएंगे यहाँ पर कि इसमें ये जुड़ी हुई थी। अब इसको हम दिखाते हैं आपको, ये जो पाइप इसमें जुड़ी हुई थी, यहाँ से क्या होता है डिस्चार्ज लाइन है, तो यानी गैस निकलती है। और ये मोटर है हमारा, ये मोटर चलता है, देख पाएंगे यहाँ पर, इस मोटर को हम घुमा के भी दिखा दें आपको, ये मोटर जो है ना वो चलता है, यहाँ से देख पाएंगे। अब जब ये मोटर चलता है तो गैस कैसे बनाता है, इसके अंदर और भी पार्ट होते हैं, नीचे के पार्टों को देखें, इसके अंदर पिस्टन लगा होता है, सिलेंडर लगा होता है, कनेक्टिंग रॉड लगा होता है, और भी बहुत कुछ लगा होता है, वाल्व प्लेट, डिस्चार्ज रेड, इसमें बहुत सारे पार्ट लगे होते हैं। अब देखिए ये मोटर हो गया हमारा, और इसका यही है डिस्चार्ज लाइन। अब सक्शन लाइन कहाँ है, देखिए पूरे वातावरण से ही सक्शन लाइन करता है ना, ये हवा को खींचता कहां से, इसमें से। ये देख पाएंगे यहां पर दो पॉइंट आपको दिख रहे हैं ना, ये वाला जो पॉइंट है ये डिस्चार्ज लाइन है, क्योंकि ये पाइप देख सकते हैं, ये पाइप इसमें जुड़ जाएगी तो वो डिस्चार्ज लाइन है, और ये जो पूरा खुला हुआ है ये सक्शन लाइन है। तो जब ये पूरे खुले में से हवा को खींचेगा तो इसकी जो बॉडी होगी जब वो बंद होगी तो वो पूरे में से हवा को खींचेगा। इसीलिए हमने कहा कहीं पर भी अगर आप लीकेज कर देते हैं तो वहां से वही सक्शन लाइन बन जाता है। और सक्शन और चार्जिंग दोनों एक ही होता है। जब हम कोई कंप्रेसर नया खरीद के आते हैं ना, तो उसमें कौन सक्शन है, कौन चार्जिंग है, ये कोई कंफर्म नहीं होता। किसी को सक्शन, किसी को चार्जिंग बना लेते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए यहां ये हमारा हो गया सक्शन लाइन। अब यहीं से हवा को ये क्या करता है, यहां से हवा को बाहर फेंकता है। और जब यहां से हवा बाहर निकलती है तो किस प्रकार से फेंकता है वो दिखाएं आपको, कि जब ये हम इधर से घुमा रहे हैं, देखिए इसको हम एक साइड से इधर से हम घुमा रहे हैं, तो जब हम घुमा रहे हैं तो ये देख पाएंगे आप ये किस प्रकार से घूम रहा है, और ये घूम रहा है तो ये गोल में घूम रहा है, लेकिन इसके अंदर एक पॉइंट है वो देख पाएंगे ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि इसमें ये ऊपर नीचे हो रहा है। तो इसमें जब वो पंपिंग करता है ना, तो पंपिंग करने के कारण ही क्या होता है कि वो प्रेशर बनाता है। तो इसी प्रकार से देखिए ये जब ये मोटर चलता है तेज गति से तो प्रेशर बनाता है और डिस्चार्ज लाइन से यहां से हवा को फेंकता है और यहीं से वो बाहर निकल जाती है। और जो बाइंडिंग होता है इसमें भी देख पाएंगे, ये जो सलाट होता है ना, ये 24 सलाट का एक मोटर होता है, और इसकी बाइंडिंग नॉर्मल मोटर की बाइंडिंग की तरह किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये मोटर जब खुलेगा नहीं तो हम मोटर ये पाएंगे कैसे, बाइंडिंग करेंगे कैसे, इसीलिए इसकी हम बाइंडिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी हम बाइंडिंग नहीं कर पाते। तो इस प्रकार से ये जो हमारा कंप्रेसर मोटर है वो कार्य करता है। इसके अंदर और कुछ नहीं होता है, देख पाएंगे यहाँ पर ये नॉर्मल होता है, तीन पिने होती हैं, तीन लाइनें होती हैं। तो ये हमारे फ्रिज का कंप्रेसर है, कुछ इस प्रकार से कार्य करता है। एसी का कंप्रेसर भी कुछ इसी प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए कंप्रेसर से रिलेटेड अगर आपको अभी भी किसी प्रकार का डाउट है, सवाल है, सुझाव है, तो कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।